हैप्पी बर्थडे टू यू, क्लैपिंग करो। सो गाइज, हम लोग खाना खा रहे हैं, ये खुशी और कान्हा के लिए बर्गर। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, हम सभी बहुत अच्छे हैं। सुबह के बज गए 10:30 और आज है 12 सितंबर, यानी कि आज है खुशी का बर्थडे। और बर्थडे गर्ल कहाँ है? बर्थडे गर्ल अपने बर्थडे गर्ल अपने डेस्क में पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसके चल रहे एग्जाम। ये रही गाइस, अभी आई है। अभी आई है? हाँ, तो मैं ड्रेस लेकर था ना। कोई बात नहीं, तो हैप्पी बर्थडे खुशी। थैंक यू। और ये तेरी चॉकलेट। अरे हैप्पी बर्थडे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, खूब बड़ा आदमी बनो। तूने विश कर दिया ना खुशी को? हाँ। दरे इधर देख। खाना। हे भगवान, ये दो टुकड़े दे रहा है, ये एक टुकड़ा दे रहा है? गाइस देखो, मैंने एक बोला एक टुकड़ा चॉकलेट दे, एक लेना एक लो, दो लेंगे दो लो, ले लो। तक तक हो रही है दिल में, ले लो यार। चल एक ले ले, आ जा। क्या हुआ? गाइस, इसके ना पैरों में हो रहा दर्द, और देखो मैंने कैमरा ऑन किया था, बिल्कुल स्ट्रेट चलने लग गया। और वैसे ड्रामे दिखा रहे, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मम्मी, अब नहीं हो रहा दर्द? चल। सो गाइस, टाइम हो गया 4:30 और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। पता है दिन में क्या हुआ? हम लोग को खाना वाना खा के ना मैं लेट गई थी, और खुशी सुबह जल्दी उठ जाती है, तो मैंने उसको बोला पढ़ाई कर ले, और क्या बोलते हैं, अगर नींद आएगी तो आ जाना सोने के लिए थोड़ी देर, आधा एक घंटा। और कान्हा भी मेरे साथ आ गया था, उसके पैरों में हो रहा था दर्द, ठीक है, क्योंकि वो आजकल ना प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एक और टूर्नामेंट आने वाला है रिलायंस का, कुछ ऐसे ही बता रहा था, तो उसके हो रहे पैरों में दर्द, प्रैक्टिस करवाई होगी ना। तो खुशी आई रोते रोते, मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रही है? आज तेरा बर्थडे है और आज तू बर्थडे के दिन रो रही है। तो बोली मम्मी, मैं कल मेरे मैथ का पेपर अच्छा तो जाएगा ना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, तैयारी नहीं करी तूने? बोले नहीं, मेरे को सब आता है, मेरे को जितना मैंने जितने भी चैप्टर है मेरे को सारे क्वेश्चन आते हैं, बट क्या बोलते हैं, मैं वहाँ जाती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ। और इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रही थी, मेरे को अजीब सा लग गया। मैंने कहा बाबा ऐसे नहीं करते, जो भी है अच्छे ध्यान में रखियो, है ना, और जैसा आता है उसके हिसाब से तू लिख लियो, कुछ नहीं होता। बोले फिर नंबर कम आ जाएंगे? मैंने कहा कुछ नहीं होता, नंबर कम आएंगे जो आएंगे दिख ही जाएंगे, अभी ऐसे मत सोच और रो मत, रोने से क्या होगा, सर में दर्द होगा, जो आता भी है वो भी भूल जाएगी। तो मतलब कभी होता है ना, बच्चा अच्छा करने की चाह में कभी गलत कर जाता है, और कभी ऐसा होता है कि हमको सब कुछ आता है, और जब सामने हमारी वो सिचुएशन आती है ना, तो हम वो सारी चीज़ भूल जाते हैं, तो कुछ ऐसे ही हो जाता है। तो ये बच्चों का ना बहुत टफ टाइम रहता है बोर्ड वाला, खासकर क्योंकि मेंटली है ना थोड़े से ना वो रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं कि बोर्ड है, बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड एक इतना बड़ा हमने बना दिया है ना हर चीज़ में, कि बोर्ड, अच्छा बोर्ड की इस साल बोर्ड है, इस साल बोर्ड है। तो वो परीक्षाएँ तो हर साल होती है, जब तक बच्चा पढ़ेगा जीवन भर परीक्षा होती है, चाहे वो स्कूल की हो या फिर आपके जीवन में जो भी कार्य हैं उनकी। तो जब बच्चा इस सिचुएशन में आए ना, तो उसको अच्छे से हैंडल करना। अगर वो बोले ना कि मम्मी नंबर कम आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो उसको हिम्मत बंधवाना कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी, तो अपनी तरफ से अच्छा कर रही हो, 100% देना, बाकी देखी जाएगी, ठीक है। तो बच्चे को थोड़ा हिम्मत बांधना। मैंने फिर उसको जैसे तैसे समझाया, थोड़ा उसको चुप कराया, फिर मैंने कहा सो जा, थोड़ा सर हल्का हो जाएगा। और रो रो के, मुंह इतना बड़ा हो गया था, आंखें भी और सब ऐसे भारी हो गया था रो रो के। फिर वो 1 घंटा सो गई, सोने के बाद वो फिर मैंने उसको उठाया 3 बजे, मैंने बोला जाओ मुंह हाथ धो, कुछ थोड़ी देर बैठो, खाना है कुछ पीना है बताओ, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाओ। तो बैठ गई थी, थोड़ा सा नर्वस है वो अभी, फिर अभी हाँ अभी यहाँ पर बैठी हुई थी, रेस्ट लिया हुआ था उसने 4 बजे। तो बोली मम्मी मेरे को सब कुछ आता है, बट वही
मैं भूल जाती हूँ एग्जाम में। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो बोली अगर नंबर कम, मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो थोड़ा सा हंसने लग गई, थोड़ा सा उसको रिलैक्स फील हुआ हुआ कि चलो मम्मी बोल रही है ना। तो जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं बोर्ड के बच्चे खासकर, वो बिल्कुल स्ट्रेस ना ले और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। आपको अपने आप पे भरोसा है ना तो सब अच्छा होगा, ठीक है। नंबरों से कुछ नहीं होता बेटा, नंबर आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं उनके नंबर कितने हैं बोर्ड में आपको मालूम है क्या? मालूम आपसे कम आ रहे हो या फिर जो पास आउट हो चुके हैं टेंथ से ट्वेल्थ से उनके नंबरों से वो उनके नंबर कम हो, है ना। आपका रिजल्ट आपके नंबर तय कर सकते हैं, बट आपका भविष्य आपके नंबर तय नहीं कर सकते, ठीक है। तो अच्छे से पेपर दो, अच्छे से मेहनत करो बस। और गाइस चलिए चाय पीते हैं, खुशी वेट कर रही होगी मम्मी कहाँ रह गई। तो गाइस मैं अभी छत में आ गई हूँ, बादल लग रहे हैं, देखो ये कहाँ चले गए। धूप लग रही है क्या है खुशी? हो रही धूप? थोड़ी बहुत तो हो ही रही है, हल्की हल्की। काना तो बहुत ड्रामे दिखाता है सच्ची कभी कभी। तो गाइस खुशी का केक आ गया है, ला मेरे को ले। चलो गाइस टाइम हो गया है 8 और अब हम लोग काट रहे हैं केक, खुशी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोटी वोटी बना ली है, तो चलिए तैयार करते हैं केक। कैंडल लगाते हैं सबसे पहले। कितने साल की हो गई है? 9 साल की नहीं है। एक दो दो कैंडल। चल चल लगा लगा। अरे यार तू अच्छे से लगाई हो। अच्छे से लगा, अच्छे से लगाना। मम्मी को लगाने दे। मैं लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ। रुको रुको, डिजाइन बनाएंगे। मुंडी साइड लगा दो। हाँ ऐसे लगा दे, लगा। वेरी नाइस। चल हैप्पी बर्थडे। पहले पंखा तो बंद कर लूँ। चल चलो जला। मम्मी कर देगी। खाएगी तू? वैसे चाकू लाए, मैंने चांदी का चाकू बना दिया। अरे बीच वाले तो है। हम लोग खाना खा रहे हैं, ये खुशी और कान्हा के लिए बर्गर लेके आए थे, इस बार हमने रोटी बनाई है, पिज्जा नहीं लेके आए। केक खाएंगे खाना खाने के बाद, ठीक है। ये ले रोटी खा ले पहले, केक खाना खाने के बाद खाएंगे, तब तक कट करके रखती हूँ मैं, ठीक है। रोटी खा लो। चलो इसको कैसे ले रहे हो? चलो सो गाइस टाइम हो गया है सोने का और बच्चे चले गए हैं सोने के लिए। आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट रहा, हल्का सा। खुशी इस बात की थी कि आज खुशी का बर्थडे था और थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए रहा क्योंकि खुशी थोड़ी आज ना थोड़ी सी, मतलब क्या बोलूँ, अभी वो जो रोई ना उसके बाद थोड़ा सा ना मन, क्योंकि देखो बच्चों पे जब स्ट्रेस आता है ना तो माँ बाप थोड़ा सा स्ट्रेस वो भी ले लेते हैं। अभी भी बोल रही थी वो, अब उसको टेंशन कल की है, कल का दिन अच्छे से निकल जाए। आज का दिन तो निकल गया, आज उसका बर्थडे था, तो उसके बर्थडे पे आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ कि उसको खूब सारा आशीर्वाद देना कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे और जो उसकी इच्छा है वो पूरी करे।
सो गाइस आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक बटन दबाना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो न्यू है वो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।